सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ टाटा का 2821 टी अल्ट्रा जो ट्रक है 10 टायर, जो कि कंटेनर के लिए बनाए गए हैं। आप इस पर कंटेनर ही रख सकते हैं। इसको कुछ अलग ही डिजाइन, केबिन वगैरह सभी कुछ अलग जो है फीचर से लेस किया गया है। इस वीडियो में मैं आपको इस ट्रक के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, यह है टाटा का अल्ट्रा ट्रक जो कि 10 टायर गाड़ी है। ये फोल्डेबल केबिन आपको इस गाड़ी के अंदर कुछ इस तरीके का मिल जाता है। ये अलग ही डिज़ाइन जो है इस केबिन के अंदर जो आता है। यहाँ पर आपको ये अल्ट्रा ट्रक है जिस तरीके से आपके सामने यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। यह टाटा का अल्ट्रा 2821 टी ट्रक ये कंटेनर के लिए बनाया गया है। ये आप सामने की साइड से कुछ इस तरीके से केबिन आपको यहाँ पर इसका मिल जाता है। सामने आपको यहाँ पर फ्रंट साइड में यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्रंट में टाटा का लोगो, ऊपर टाटा का टाटा लिखा हुआ भी आपको मिल जाता है। दोनों साइड में आपको इसकी हेडलाइट्स दी जाती हैं। नीचे आपको बम्पर वगैरह मिल जाता है जिसके ऊपर आपको फॉग लैंप वगैरह जो है इसके अंदर दिए जाते हैं। नीचे की साइड में आपको एक्स्ट्रा बम्पर दिया जाता है और आपको इस तरह की कुछ ग्रिल वगैरह आपको यहाँ पर नहीं मिलती है। ये फोल्डेबल केबिन है। इसका जो इंजन है वो बिल्कुल केबिन के नीचे है। आगे की साइड से खोलने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका जो इंजन आता है वो बिल्कुल बीचों बीच यानी केबिन के जो है नीचे है, बिल्कुल सेंटर में। तो इसलिए आपको इस केबिन को जो है फोल्ड करना होगा अगर आप कोई भी काम वगैरह कराते हैं। तो इसलिए आपको फोल्डेबल केबिन इस गाड़ी के अंदर दिया गया है। साइड से कुछ इस तरीके की प्रोफाइल जो है आपको इस गाड़ी की दिखाई देती है। यहाँ पर दोनों साइड में आपको अल्ट्रा का बेजिंग अल्ट्रा लिखा हुआ आपको मिल जाता है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको ऊपर में चढ़ने के लिए आसानी से दो स्टेप दिए गए हैं। यहाँ पर साइड में ही जो है आपको एक इंडिकेटर मिल जाता है येलो कलर में। यहाँ पर आपको जो अगला जो फ्रंट एक्सल है वो भी काफ़ी हैवी ड्यूटी दिया गया है। अंदर की साइड से कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर इसके जो पार्ट्स हैं, स्ट्रिंग ऑयल का बॉक्स, साथ ही आपको इस तरीके जो भी आपको यहाँ पर है मिल जाता है। यहाँ पर आपको केबिन को उठाने के लिए जो यहाँ पर आपको एक जैक मिल जाता है, हाइड्रोलिक जैक, जिसको आप जो है पंप की मदद से आसानी से अपने केबिन को जो है फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके का आपको एक यहाँ पर हाइड्रोलिक जो है जैक केबिन को फोल्ड करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। जस्ट पीछे जो केबिन के पीछे की साइड में आपको यहाँ पर जो है एक पंप दिया गया है केबिन को उठाने के लिए, इसकी मदद से आप इसको उठा सकते हैं। उसी के साथ में आपको बैटरी बॉक्स एंड जो है आपको एयर टैंक वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं। हम जो है राइट लेफ्ट साइड की आपको यहाँ पर प्रोफाइल दिखा रहे हैं। पीछे की साइड से केबिन आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। यहाँ पर आपको जो है केबिन को फोल्ड करने के जो भी लीवर वगैरह हैं उनके जो लॉक्स हैं उसके पूरा सिस्टम आपको यहाँ पर दिया गया है। केबिन के पीछे की साइड में आपको यहाँ पर जो है ये कूलेंट जो टैंक है वो भी दिया गया है। यहाँ पर आपको गियर बॉक्स दिया गया है। ये गाड़ी आपको 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको जो है इस गाड़ी के अंदर 4-cylinder इंजन दिया गया है। इंजन के पीछे की साइड में आपको कंप्रेसर वगैरह का पूरा सेटअप मिल जाता है। तो इंजन है वो 4-cylinder आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है 197 HP पावर के साथ। यहाँ पर डीजल इंजन है। यहाँ पर जो 505 cc का ये इंजन आपको 4-cylinder इंजन इस गाड़ी के अंदर दिया गया है। तो ये 4-cylinder जो इस गाड़ी के अंदर जो है 4-cylinder इंजन है। तो अभी इस गाड़ी में 6-cylinder इंजन नहीं है। तो ये आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपको इस साइड में दोनों साइड में आपको यहाँ पर 350 लीटर के 2 डीजल टैंक मिल जाते हैं। एक डीजल टैंक आपको इस गाड़ी के अंदर एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है आपको एक राइट साइड एंड एक लेफ्ट साइड दोनों साइड में आपको 350 लीटर के 2 टैंक आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको 32 फुट जो है इस चेचिस की लंबाई मिलती है। यहाँ पर जो है 32 फुट आपको ये चेचिस की लंबाई है इस गाड़ी के अंदर। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको रियर सस्पेंशन दिया गया है। यहाँ पर आपको हैवी ड्यूटी जो रियर क्राउन है वो दिया गया है। यहाँ पर आपको जो कमानी स्प्रिंग के साथ आप पीछे का जो सस्पेंशन है वो दिया गया है। तो कुछ इस तरह का आपको पीछे की साइड का पूरा सिस्टम मिल जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जो है आपको जो है टायर का साइज वही है, फ्रंट एंड रियर में आपको सेम साइज इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। कुछ इस तरीके का डिज़ाइन आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है, कुछ इस तरीके का लुक। पीछे के जो पार्ट्स हैं सभी कुछ हैवी ड्यूटी के अंदर आपको इस गाड़ी के अंदर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टायर है वो
सभी एक साइज के आपको दिए गए। यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा जो है स्टेपनी का टायर आपको यहाँ पर पीछे की साइड में यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर इसको सेटअप पीछे की साइड में जो है किया गया है। अगर बिल्कुल पीछे की बात करें तो यहाँ पर पीछे की साइड में आपको LED टेल लाइट्स यानी LED जो बैक लाइट्स है वो आपको दोनों साइड मिल जाती है। यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर भी इस गाड़ी के अंदर दिए जाते हैं। नीचे की साइड में आपको बम्पर भी गाड़ी के साथ लगाकर दिया जा रहा है। कुछ इस तरीके से आप पूरी प्रोफाइल, अब मैं आपको जो है राइट साइड जो भी प्रोफाइल है वो आपको दिखा रहा हूँ। कुछ सेम डिज़ाइन, सेम टायर, सेम आपको जो रियर सस्पेंशन है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आपको स्प्रिंग कम आने वाला जो भी सस्पेंशन पीछे की साइड में आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको ये है इसका मेन डीजल टैंक, जिससे जो है ये मेन डीजल टैंक है, जो दूसरी साइड का है वो एक्स्ट्रा डीजल टैंक आपको इस गाड़ी के अंदर दिया गया है। तो ये इसका 350 लीटर का टैंक है। दोनों टैंक आपको 350-50 लीटर के मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 60 लीटर का यूरिया टैंक भी मिल जाता है। इसके अंदर आप आसानी से यूरिया जो है इसके अंदर डाल सकते हैं। 60 लीटर का ही मिलता है। इसी के साथ आपको यहाँ पर जो भी इसका सिस्टम है, यहाँ पर DPF सिस्टम आपको इस गाड़ी के अंदर पीछे की साइड में चेचिस के अंदर जो है नीचे दिया गया है। यहाँ पर जो भी आपका एग्जॉस्ट सिस्टम है वो सेटअप किया गया है। यहाँ पर आपको जो है एयर फिल्टर बॉक्स मिलता है जो है राइट साइड में ही। यहाँ से आप अपने एयर फिल्टर को निकाल कर आसानी से सफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है इसके अंदर इस तरीके का आपको जो है एयर सिस्टम दिया गया है, एयर बनाने वाली मशीन यानी जिसको बोलते हैं चीक मशीन। तो यहाँ पर आपको किनोर कंपनी की इस गाड़ी के अंदर सभी सामान जो है प्रेशर सिस्टम दिया गया है। राइट साइड में आपको सेम उसी जगह पर एक इंडिकेटर मिल जाता है। कुछ इस तरीके का केबिन आपको राइट साइड से ये दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो है अगर मैं इंजन के राइट साइड की बात करूँ तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर आपको इसके अंदर ऑयल फिल्टर, टाटा का ऑयल फिल्टर लगा हुआ है। यहाँ पर जो ऑयल फिल्टर की जो पोजीशन है सभी गाड़ियों में अक्सर नीचे को होता है, लेकिन इसके अंदर जो है ऑयल फिल्टर का जो ऊपर की साइड कर दिया गया है। यहाँ पर आपको अगला जो सस्पेंशन है वो पैराबोलिक कमानी के साथ आपको मिलता है। यहाँ पर पैराबोलिक जो कमानी है वो आगे की साइड में इस गाड़ी के अंदर दी गई है। तो काफ़ी हैवी सस्पेंशन है इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पर आपको स्ट्रिंग बॉक्स वगैरह सभी कुछ जो भी इस सिस्टम है इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो है पैराबोलिक कमाने के साथ अगला जो फ्रंट सस्पेंशन है वो आपको मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके की है हमारी टाटा अल्ट्रा 2821 TBS6।